हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में मोबाइल की आदत को कैसे छुड़ाएं। ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा फ़ोन बच्चों को देना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कहते हैं कि ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले कम एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चों के मुकाबले धीरे होता है। ब्रेन क्या, फिजिकल डेवलपमेंट भी, और इसका सबसे बुरा असर आँखों पर पड़ता है। अब मेरा बेटा जो 31 मंथ्स का है, अभी 2.5 साल का भी पूरा नहीं है, लेकिन फ़ोन चाहिए होता है उसको। मम्मा फ़ोन दे दो, खाना खाएगा तो भी फ़ोन मांगेगा, और अगर खाली बैठा है तो भी फ़ोन दे दो। मतलब फ़ोन चाहिए ही चाहिए। आप कार में बैठा होगा तो भी फ़ोन चाहिए, मेट्रो में कैसे सफ़र कटे तो भी फ़ोन चाहिए। इसकी इन आदतों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन गुस्से में आके मैंने बिल्कुल अपने बेटे को फ़ोन नहीं दिया। स्ट्रिक्ट हो गई मैं, नहीं देना है तो नहीं देना है। बहुत रोया, बहुत टेंट्रम सिखाए, पापा को बोला कि मम्मा फ़ोन नहीं दे रही, तो घर में सबको मैंने मना कर दिया था कि इसको फ़ोन नहीं देना, बोल दो कि हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है। एक दिन रोया, दो दिन रोया, उसके बाद ठीक हो गया कि अब कोई फ़ोन नहीं देता। आज एक महीना हो गया है मैंने अपने बेटे को फ़ोन नहीं दिया है। फ़ोन का जो अल्टरनेटिव था वो भी तो निकालना है। मैंने उसको फ़ोन में जो YouTube देखता था, मैंने उसको टीवी में दिखाना शुरू कर दिया। जैसे खाना फिनिश होता है टीवी में देखकर मैं बंद कर देती हूँ, और वो भी ये बोलता नहीं है कि मम्मा चला दो, दोबारा से देखना है या कुछ। अब आपने छोटे बच्चों को तो सिखा दिया, उसको बहला फुसला दिया, लेकिन उन बच्चों का क्या करें जो बड़े हो गए हैं। मेरी बेटी है 12 साल की, मैं उसको नहीं बहला फुसला सकती। उसको फ़ोन चाहिए होता है क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जिसमें बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो टीचर अचानक से कुछ अर्जेंट ना दे दे या बच्चे कुछ पूछने के लिए ही कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं उसको 15 मिनट्स के लिए फ़ोन देती हूँ पूरे दिन में। और उसके साथ स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि 15 मिनट्स में तुम फ़ोन लेके गई हो तो तुम फ़ोन दोगी मुझे, तो वो मुझे 15 मिनट्स में लाकर वापस करती है। अब क्या होता है कि ये लत किसने सिखाई? ये फ़ोन की लत भी तो हमने ही सिखाई, क्योंकि हम ही तो बच्चों के सामने फ़ोन ले लेके घूमते रहते हैं। हम खाते हैं तो फ़ोन लेते हैं, सोते हैं तो फ़ोन होता है, और उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन देखते हैं। तो शुरुआत हमें अपने से ही करनी होगी, हमें फ़ोन बंद करना होगा। आप फ़ोन का यूज़ तब करें जब बच्चा सो रहा हो या बच्चा आपके आसपास ना हो। बच्चे के सामने आप फ़ोन यूज़ नहीं करें। जो आप फ़ोन पर टाइम देते हैं वो अपने बच्चों को दें। अब बच्चों का आपने फ़ोन बंद कर दिया, आप क्या करें? तो आप उसके आउटडोर एक्टिविटी पर ध्यान दें, उसे पार्क ले जाएं, बच्चों के साथ खिलवाएं। अगर बच्चे बच्चे के साथ खेलेंगे तो इनसे उसका ब्रेन डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। इनडोर गेम्स पर ध्यान दें। इनडोर गेम्स में आप उसको पजल ला दें, कलरिंग बुक्स लेकर आएँ, स्टोरी बुक्स लाएं जो आप उसको पढ़कर सुनाएं। हमें भी अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि हम भी हर समय फ़ोन पर ही रहते हैं, और ये सच बात है। अच्छा, आप बच्चों को लालच मत दें कि बेटा तुम ये काम कर लोगे ना तो तुम्हें फ़ोन मिलेगा, होमवर्क कर लोगे ना तो फ़ोन मिलेगा, अच्छे बच्चों की तरह बैठोगे तो फ़ोन दूंगी। आप हर चीज़ को फ़ोन से रिलेट मत करिए। बच्चों में मोबाइल की आदत छुड़ाना या कम करना मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत हमसे चाहिए कि हम उसके सामने यूज़ कम से कम करें फ़ोन का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कुछ अपनी एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा।